परिचय दें हमें। हम साहब बरेली रहते हैं, बाड़ी बरेली रहते हैं। अच्छा, बाड़ी बरेली में रहना है। जी जी। अच्छा, और आपने ग्रीन प्लैनेट कंपनी के जो उत्पाद पावर ग्रो वगैरह इस्तेमाल किए हैं, उनके आपके रिजल्ट कैसे रहे? रिजल्ट साहब आपके सामने। नहीं, हम आपकी जवानी सुनना चाहते हैं। नहीं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा उसमें बहुत कम खर्चा आया है और मेरा ये मतलब दवाएं वगैरह तो डली नहीं, अब डाल रहा हूँ मैं करीब 60-65 दिन की फसल में। कोई रोग नहीं समझ में आया था, अभी ज़रा हल्का हल्का दिख रहा है जी, अब मैंने चालू करा है तो मेरी दवाओं का खर्चा बहुत कम आ रहा है। हाँ। और फर्टिलाइज़र भी मैंने बहुत कम डाला है, करीब करीब मैंने 40% फर्टिलाइज़र कम कर दिया। वाह। और उसके बाद भी मैं हर साल जो फसल जैसी रहती थी उससे अच्छी लग रही है। तो 40% जो फर्टिलाइज़र आपने कम किया है, उसके पीछे वजह पावर ग्रो रही कि आपको उसकी जो दिखी उसकी वजह से किया आपने? पावर ग्रो की वजह से मैंने उस फर्टिलाइज़र कम कराया और ऐसा लगा मुझे कि ज़रूरत नहीं है फसल को, एकदम ग्रीनेस अच्छा था उस पर, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं दिया खाद और उतने ही खाद में मेरी बढ़िया फसल है। इसका नोमन भाई, आपने जो तरीका इसके इस्तेमाल का था वो थोड़ा बताएं और अपने बाड़ी बरेली किसानों के लिए। मैंने साहब, मेरी फसल थी करीब 12-13 दिन की धान की जी, उसमें मैंने फिर नदी से सूखी रेत में दवा डाल के वो 800 ग्राम पर एकड़ और पूरे में फेंकवा दी थी। अच्छा। और करीब मेरा 1-2 इंच पानी था पूरे प्लाट। हाँ। में और जहाँ मैंने पानी नहीं था सूखे में डाल के मैंने पानी बाद में कर फेर दिया था। हाँ, फेर दिया। अच्छा, अच्छा। उसके बाद मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, करीब 1 महीना हो गया था। थोड़ा मैं डालना तो जल्दी था लेकिन बारिश आ गई, उस वजह से मैं डाल नहीं पाया। फिर मैंने 1 महीने बाद उसमें DAP डाला है। अच्छा। हाँ। DAP कितना डाला था? DAP मैंने 35-40 किलो पर एकड़ डाला था। पर एकड़ डाला। हाँ। था। और ये खाद भी आपने कम किया पिछले साल के तुलना में? पिछले साल से तो मैंने करीब 40-50% कम कर दिया। अच्छा, तो पहले मतलब 80-1 किलो के आसपास आप डालते थे? मैं पहले जो है शुरुआत में ही करीब 60 किलो डालता था। अच्छा। तो फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड 3 लगाता था। इस बार मेरे सिर्फ 2 मतलब खाद हुए हैं और तीसरे की मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। अच्छा। और मैंने बहुत कम मात्रा में डाला जी, मेरी करीब एकड़ पे टोटल 1 क्विंटल DAP नहीं हुई अभी। हाँ, करीब करीब 70-75 किलो DAP डाली मैंने। अच्छा। एक एकड़। हाँ। पिछली साल मैंने जो है करीब मैंने 1 क्विंटल 60-70 किलो 80 किलो 2 क्विंटल तक DAP डाली थी जी। हाँ, ये रहा था, लेकिन इस बार मैंने बहुत कम खाद डाला, करीब 40% तो पक्के में कम खाद डाला। 40% का तो निश्चिंत है कि आपने कम डाला। कम डाला। दूसरा क्या है, मेरी पिछली साल की अपेक्षा स्प्रे मेरे 60-65 दिन की फसल में 2 स्प्रे हो चुके थे। अच्छा। इस बार मेरा 1 भी स्प्रे नहीं हुआ। हाँ। और अब मैं कर रहा हूँ, मतलब जो स्प्रे का अपना खर्चा बचा वो भी अपना एक मुनाफा कहलाया जी, खाद की अपन ने बचत करी वो भी अपना एक मुनाफा कहलाया और साथ ही साथ फसल अपनी स्वस्थ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। देखें फसल अपन नोमान भाई थोड़ा सा जी। थोड़ा क्या पानी की कमी है, वो पानी देना है हमको जी जी जी, बाकी बढ़िया है। तो क्या है, ज़्यादा बढ़ गई इधर आड़ी होने लगी। हाँ हाँ। बाकी बीमारियां इस पे आपको इस वक्त कुछ भी नहीं कुछ है? भी नहीं, पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ फसल है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बल्कि बहुत बढ़िया काम है। रासायनिक से तो अपना थोड़ा पीछा छूटना चाहिए, महंगा होता जा रहा है दिन हाँ, दिन। सही बात है। DAP के इस साल रेट ही कितने, अब 800 रुपए हो चुके हैं जी। तो मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि DAP की कीमत 800 रुपए हो गई और ये किल्लत बहुत है, मिलती नहीं है, सबसे बड़ी बात, परेशानी ज्यादा उठानी पड़ती है। सही बात। तो खुद बायो की तरफ जाना चाहते हैं और बढ़िया प्रोडक्ट है आपका, ये बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हमें हर साल से, हमें मतलब तो बढ़ाएंगे। हमने तो ये प्रैक्टिकल करा था जी, ये करीब 14-15 एकड़ में मैंने एक प्रैक्टिकल करा था। आगे मेरा पूरा इरादा है कि टोटल खेतों में डालूंगा, उबल के गेहूं में, चने में, वेजिटेबल में, टोटल में मेरा इरादा है, क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिकल कर लिया। नहीं, बिल्कुल करिए आप नोमान भाई, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे जी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे खास बात यह है, इसकी एक चीज़ और आपको बताऊं मैं जी, जो अभी चूंकि आपने पहली बार इस्तेमाल किया है, इसका जो दाना निकलेगा धान का, उस दाने में आपको चमक अलग तरह की दिखेगी और मिलिंग में जो दाना टूट जाता है कई बार जी जी, ये आपके तरफ की बात नहीं है, ये तो तब की बात है जब आप धान आपने बेच दी। लेकिन बेचने के बाद मान लीजिए नोमान भाई का माल किसी मिल में गया है जी, ये दलाल को मालूम है जी, लेकिन वहां जाकर के जब वो माल निकल के आएगा तो वो अलग ही दिखता है कि भाई ये फला व्यक्ति का माल था और देखो इसमें टूटन बहुत कम निकली, ये एक खास बात है इसकी जी जी, ये भी देखने को मिलेगा। आप पूछना उस दलाल से जब आप माल जी जी मिलिंग के लिए भेजोगे जी। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरी तरह से जैविक है जी, तो आज अपन रासायनिक जो अपनी खाद है उससे अपने को जो नुकसान हो रहे हैं जी, ये नुकसान सर्वव्यापी है, सब लोग जानते हैं किस किस तरह की बीमारियां आ रही हैं और सारी चीजें हैं,
और इसमें आप ये देखेंगे कि इसका स्वाद में फर्क आता है जी। दूसरा, अपन जो सामने वाले किसी भी व्यक्ति को इंसानियत के नाते जो अपन दे रहे हैं, कम से कम आहार तो पोषक दें उसको, सही बात, पूरे पोषण के साथ जी। कम से कम स्वस्थ शरीर रहेगा तो इंसानों की उम्र बढ़ेगी और साथ ही साथ खाने में कुल मिला के यह है कि रासायनिक खादों का जो नुकसान हो रहा है उससे अपने को बचना है जी, जी। और उसका पर्याय पावर ग्रो से अच्छा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके, कोई दिक्कत नहीं और बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या है, हमारा स्प्रे में तो खर्चा होता है, रेत में मिला के डालने में कोई खर्चा ही नहीं है। एक व्यक्ति 5 एकड़ में आराम से डाल देता है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें मुझे बहुत, मैं तो एक दो तरफ से देखता हूँ कि पैसा भी कम लगना चाहिए, फसल भी अच्छी बननी चाहिए। सही बात। तो उस हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे भविष्य में बढ़ाने की योजना बना दिया हूँ और बहुत फर्स्ट क्लास रहा इसका रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। गेहूँ का नौमान भाई आपका रकबा कितना रहता है? गेहूँ में करीब 90 से 95 एकड़ में लगाता हूँ। तो धान का जो आपको इस साल दिखाई है अभी रिजल्ट जी, इसको देखते हुए आप कितने एरिया में इसको गेहूँ को यूज़ करना चाहेंगे? मैं उस नज़रिए से कह रहा हूँ कि जहाँ डीएपी के रेट बढ़ चुके हैं, खादों की उपलब्धता नहीं है, सोसाइटी वाले परेशान रहते हैं, अपन भी ट्रैक्टर ट्राली में डीजल फूंक के जाते हैं, रात रात भर बैठे रहते हैं, इन सारी चीज़ को देखते हुए आपका अभी आने वाले गेहूँ के सीज़न के लिए क्या आप प्लान बना रहे हैं? प्लान मेरा यही है कि मैं तो टोटली गेहूं में डालने का इरादा है मेरा। पावर ग्रो पूरा गेहूं में डालेंगे आप? पावर ग्रो डालूंगा, डीएपी तो डालूंगा, लेकिन उसकी मात्रा अपन कम करते कम कर लेंगे। हाँ, धीरे धीरे एक दिन ये आएगा कि अपन छोड़ देंगे। जी हाँ, सही बात है। जैविक की तरफ पूरी तरह हो जाएंगे, पूरी पूर्ण रूप से हो जाएंगे। अभी क्या है, हमारी जमीनों में तो पहले से डलता आया है एक फर्टिलाइजर ज़्यादा, तो अब एकदम से तो छोड़ नहीं सकते। सही बात, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे जी। शुरुआत में तो हमें फर्टिलाइजर के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे, अब हमारी जमीन में ये कंडीशन है कि हमें बहुत ओवरडोज करना पड़ते हैं जब जाके रिजल्ट मिलते। कस खत्म हो गया ना। हाँ। आपने एक चीज और ध्यान करी होगी कि पहले तो अपनी जमीनों में केंचुए दिखते थे जी, रासायनिक खाद डाल डाल के अब केंचुए अपने को दिखते ही नहीं। हाँ, बहुत कम, कभी कभार मिल जाते हैं मेड़ों पे, नहीं दिखते। बाकी इस पावर ग्रो को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये देखिएगा 2 या 3 साल के अंदर आपको जमीन की स्थिति वो की वो ही दिखेगी जो अपने पूर्वजों के समय दिखती थी, यानी केंचुए और जमीन भुरभुरापन और सारी चीजें, और इसके स्वाद में आपको फर्क दिखेगा। ये पावर ग्रो जड़ी हुई जो धान है, इस धान में आपको स्वाद में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सादे अपन दूसरे चावल खाते हैं तो उनका टेस्ट अलग है, लेकिन पावर ग्रो डले हुए जो आप खाएंगे चावल, उनमें स्वाद का फर्क आएगा। वो जो अपन पहले जमाने में कहते थे कि भाई वो, अरे उस वक्त गेहूं की रोटी बहुत अच्छी लगती थी और चावल बहुत अच्छे लगते थे, सुगंधित और मीठे, वो उस तरह का आपका टेस्ट फिर से देखना चालू होगा। क्योंकि पावर ग्रो के अंदर जो 31 तरह के सूक्ष्म जीव हैं, 16 तरह के उसमें सॉइल माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और 14 तरह के जो सॉइल हार्मोन हैं, ये पौधे की जो पूरी प्रोसेस रहती है, हर 21 दिन में पौधे में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, उन बदलावों को ये पूरा करता है पावर ग्रो। आप आज की तारीख में किसी भी जिसको अपन टॉनिक स्वरूप में कहें या कोई पौधवर्धक जितनी भी चीज़ें हैं, इनके साथ क्या होता है, जो तात्कालिक आपकी फसल है उसकी पैदावार तो बढ़ा देते हैं। आपका 10 क्विंटल यदि कोई फसल हो रही है तो 10 की 12 कर देंगे, 15 कर देंगे, लेकिन आपकी जमीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको वापस लाने का काम नहीं होता। जमीन खराब होती है जी, और पावर ग्रो ठीक इसका उल्टा है। ये आपकी जमीन की उर्वरक क्षमता तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी पैदावार में भी फर्क लाता है। इसके 3 तरह से आपको, जैसे मैंने बताया था, 3 तरह से उपयोग करने के तरीके हैं। एक तो आप भूमि उपचार कर सकते हैं जिसमें 800 ml प्रति एकड़ का डोज है। दूसरा, इसमें बीजोपचार कर सकते हैं। बीजोपचार चूंकि आपको लेट मिली ये चीज़ तो आप नहीं कर पाए, लेकिन और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा। बीजोपचार में 1 किलो बीज पे 20 ml का इसका डोज है। अच्छा। 1 किलो बीज जी, 1 किलो बीज पे 20 ml, और स्प्रे के लिए इसका जो डोज जाता है वो 250 ml प्रति एकड़ का डोज है। और जो हमारी सिफारिश है वो ये है कि आप इसका भूमि उपचार करें, इसका बीज उपचार करें, साथ ही साथ 2 स्प्रे करें। कुल मिला के ये इसकी यदि आप प्रक्रिया करेंगे तो आपको इसमें किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले गेहूं के समय में मेरा ये सोच है कि आप यदि 90 एकड़ का रकबा है जमीन में तो आप पूरे में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 एकड़ में से 8 से 10 एकड़ को ऐसा रखिए जिसमें आप भूमि उपचार भी करें जी, बीज उपचार भी करें और बिल्कुल 2 स्प्रे भी करें नियम से। तो वो जो 8-10 एकड़ का आप पट्टा अलग रखेंगे उसमें आपको पैदावार में कम से कम दुगनी फर्क तो मिलेगा। ये देखा हुआ है और हमारे दूसरे किसान जिन्होंने इस्तेमाल किया है उनकी रिकॉर्डिंग में है ये। तो आप इस तरह से 10 एकड़ करें और बाकी का जो है उसमें भूमि उपचार इसलिए कर लें क्योंकि डीएपी महंगी हो रही है, खाद अपने को मिलना नहीं है, तो अपने को वो पूर्ति तो करना है चाहिए। और इससे बढ़िया कोई प्राय नहीं है कि अपनी जमीन जैविक तरीके से सुधर रही है और अपने को पैदावार अच्छी मिल रही है। तो नुमान भाई आपका धन्यवाद, काफ़ी यहाँ तक आप आए तबीयत खराब होने के बावजूद, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपकी फसल देख के, और बिल्कुल इसको आप उपयोग करिए और हमेशा साथ रहेंगे हम आपके। ठीक, धन्यवाद।
है जी। ये काफी हद तक रेतीली दिख अरे रही है, तो साहब इसमें ये हमारी इस जमीन में तो करीब 60 से 70% रेत है, इसके अंदर पूरा कंकड़ कंकड़ है, मतलब ये हाँ। रेती रेत है ये, और बढ़िया फसल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पावर गिरो आपका जो डाला है जी, इसके बाद हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं, और इसमें हमने पहली बार जो है लगाई है धान। मतलब धान लगाने में जी आदमी मिट्टी वाली जमीन ढूंढता है जी, और आपने रेत में धान लगाई है, और ये तो बहुत बड़ी बात है, और इसमें आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले जी। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, हमने जो है इसमें टीटेट कर दिया था जी, और ये डाल दी है बाद में रेत में मिला कर, रेत में मिला के हाँ, पावर ग्रो डाल दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे, और आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल तो क्योंकि 60 से 70% रेत है, 70% तो उसमें रेत ही है, मिट्टी का तो नामो निशान हाँ, नहीं है उसमें, बहुत कम मट्टी है, मतलब आप तो पानी भरने के बाद चप्पल पहन के पूरे में घूमो हाँ, कहीं चप्पल आपकी खबना नहीं है, सही बात, ये कंडीशन है। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे इसके आपकी दवाई के, चलिए संतुष्ट, धन्यवाद नौमन भाई, धन्यवाद। तो ठीक है फसल नौमन भाई, पिछली बार अपन आए थे खेत पे, और अपन ने उस वक्त यहाँ की शूटिंग करी थी और सारी जानकारी ली थी आपसे जी। आज जब ये धान अपनी बाली बनने की पूरी तरह से अवस्था पे आ गई है और लगभग 70% दाना अपना पक चुका है जी जी, ऐसी स्थिति में आपका पावर ग्रो और पावर ब्लूम के बारे में क्या विचार है? स्थिति आपके सामने साहब, देख लीजिए अब कंडीशन ये है जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दूसरे प्लॉट में नहीं डाला, वहाँ पे मेरे अटैक बहुत आए, दवाएं बहुत डल गई जी, और आखिरी आखिरी में माहू तक परेशान कर रही है अभी इस अभी तक। अच्छा, मतलब अच्छा। अभी 2 दिन पहले तक मेरा स्प्रे चल रहा और आज भी चल रहा है हाँ, हाँ, हाँ। और इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है माहू वगैरह जड़ से संबंधित, जबकि मैंने कटाप वगैरह भी नहीं डाला हाँ, उधर कटाप भी डाला था जी, और अब जो है कटाप न डालने के बाद भी मेरी इसमें स्प्रे जो है 3 हुए हैं मात्र। अच्छा, हाँ टोटल 3 स्प्रे, टोटल 3 हुए हैं जी। अब मुझे लग नहीं रहा कि मुझे एक स्प्रे और करना पड़े, क्योंकि अब तो 70 से 75% 80% फसल जो है जी आ चुकी है। मतलब अपन ये माने कि जैसे धान के आपका पुराना अनुभव है जी जी, कि धान में आपकी लागत ज़्यादा आती है, करीबन 4 से 5 स्प्रे होते हैं जी जी, तो इस साल आपके 4 से 5 स्प्रे की जगह मात्र 3 स्प्रे में काम हो गए, 3 स्प्रे हो गए मेरे, 3 स्प्रे में मेरा कंप्लीट हो गई है, और बढ़िया फसल है। और इस बार थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, बाल में देख रहा हूँ गौर से जी, तो खाली दाने कम दिख रहा है, बदरा टाइप का। अच्छा, वो कम है, कम लग रहा है, अब आगे ऐसा लग रहा है कि इसमें उत्पादन मेरा बढ़ के आएगा, 10 से 15-20% तक उत्पादन बढ़ सकता है। अच्छा, 20% का आप अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा उत्पादन आएगा, और जबकि एवरेज ये है कि मैंने करीब 30 से 35% की कटौती कर दी है फर्टिलाइजर में, दवाओं में जी, वो मुझे एक बेनिफिट मिला है जी। हाँ जी, मतलब ये मान के चलें कि एवरेज जो आपका धान पे एक स्प्रे आता है नौमान भाई जी, उसका आप अंदाज से खर्चा कितना निकालते हैं एक स्प्रे का, एक प्रति एकड़? में करीब करीब 8 से 10, मतलब 1,000 रुपये एकड़ तक का खर्चा आता है, कम से कम 1,000 का माने कि एक स्प्रे अपना 1,000 का, 1,000 रुपये का स्प्रे तो हो ही जाता है एक एकड़ में, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक और दुनिया की चीजें मिलती हैं, एक एक दवा तो डलती नहीं है जी, 3-4 दवाएं मिला के डालते हैं हाँ, तो वो आजकल हर चीज तो महंगी है साहब, सही रेट हर चीज के दवाओं के दिन पे दिन तो रेट बढ़ रहा है। तो यदि 1,000 रुपये भी अपन एक स्प्रे का माने और 3 स्प्रे आपके कम हुए, तो 3,000 की बचत तो सूखी सूखी ये प्रति एकड़ हाँ, हो गई अपनी, और एक मेहनत भी बच गई साहब। हाँ, आजकल क्या है कि पंप से डलता है, डीजल जलता है, और लेबर भी बहुत महंगी है, सब चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई बीमारी ना आए तो बड़ा एक मानसिक रूप से अपन सही रहते हैं, और बीमारी आ जाए तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं हाँ, कि यार उसको भी करना है, इसे भी देखो, और इस बीच में कितनी आप दवा डालें या कुछ क्षति तो हो ही जाती है, सही बात, उसको पूर्ति करते में बहुत टाइम लग जाता है, और जिसमें निरोग रहे उसकी कोई बात ही अलग है, और हाँ, स्वस्थ फसल हाँ, तो अपने आप में एक वो रहती हाँ, है, स्वस्थ फसल की कोई बात ही अलग है, और दूसरा एक अपने को भी मानसिक रूप से टेंशन फ्री रहते हैं हाँ, कि यार बेफिक्री है, अब हम आते ज़रूर हैं, हर 2-3 दिन में मेरा राउंड लगता है हाँ हाँ, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही वैसे बाकी हाँ। इस प्लॉट से जो 14 एकड़ का है यहाँ अपन ने पावर ग्रो और डाला है और ये सारी चीजें अपन ने करी व्यवस्थित हाँ। यहाँ सुकून से आप घूमते हाँ, हैं, यहाँ भी टेंशन फ्री है, टेंशन फ्री है, नेक ब्लास्ट का कोई अटैक नहीं है, जबकि मेरा दूसरा प्लॉट है उसमें मेरा करीब से 15 से 20% तक नुकसान हो गया कुछ क्षेत्र में। अच्छा, नेक ब्लास्ट का इसमें मेरा वो बात नहीं है, अभी नीचे थोड़ा जरूर आया था जी, लेकिन मैंने वो तीसरा जो स्प्रे ट्राइसाइक्लो जोन का हाँ, इसीलिए करा था, उससे कवर हाँ, उससे कवर हो, मतलब वो स्थिति को देखते हुए आपको करना पड़ा, करना नहीं तो शायद उसकी भी जरूरत हाँ, नहीं पड़ती। और मैंने वो कुछ क्षेत्र में आया था 1-2 एकड़ में जी, लेकिन मैंने टोटली में डलवा दी कि यार आगे बढ़ जाए, उठाना बेकार है, कर लेना ज्यादा,
क्योंकि आई हुई फसल है जी हाँ, अब अपना इतनी बचत हो गई तो हमने कहा यार थोड़ा और सही ये अपन खर्च कर दें क्या मतलब अगर क्या नेक ब्लॉक ऐसी बीमारी है जो आखिरी आखिरी में पूरा खाफ हो जाता नहीं पूरा मुंह की आई हुई थाली अपनी चली जाती है वो कोई बड़ा अफसोस वाला काम हो जाता है क्योंकि अब तो सब कुछ हो चुका है सही बात खाली एंड पे चल रही है तो आपके सामने स्थिति ये देख लीजिए। तो अब आप अपने विचार ये बताएं मुझे कि अपन चूंकि धान में शुरू से इसको ये अपना प्लॉट ऐसा था 14 एकड़ का कि जिसमें अपन ने जमीन में भी डाला और दो अपन ने दो स्प्रे हो गए नहीं एक हुआ है एक हुआ पावर दो, दो नहीं हो पाए स्प्रे एक हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये भविष्य किसानों का भविष्य उज्जवल करने वाला प्रोडक्ट है कैसा लगता है भाई साहब ये पक्की बात है मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आज डीएपी की कितनी जबरदस्त मारा मार चल रही है मार्केट अभी क्या रेट होगा नौमान भाई डीएपी का उस वक्त अपन जब पिछली चर्चा कर रहे हैं 850 रुपए की बात इस वक्त 965 रुपए में मिल रही है ये सुना है मैं तो नहीं ला पाया दो बार गया तो माल ही नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम चल रही है अब और अभी ये सुनी बात है कि और बढ़ गए 900 से ज्यादा हो गए 900 से ज्यादा अब ये लेंगे जब पता चलेगा लेकिन अभी जानकारी सुनी है अपन ने अब बेचारे हम तो वैसे सूखे की खेती नहीं है हमारे पास नहीं तो अभी बोनी में बड़ी परेशानी आती तो अभी वर्तमान में 1000 से ऊपर का रेट पहुंच चुका है ये दिन पे दिन बढ़ रही है 4-5 स्टेज और आगे भी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है किसानों को डीएपी क्या डालेंगे 1100 रुपए तक मिल पाएगा इस बार की और उसके लिए भी मारा मारी है ऐसा नहीं कि 1100 रुपए दे के हाथों हाथ मिल जाए आसानी से उपलब्ध नहीं ये 15-16 एकड़ में मेरी धान है मैंने 22-23 बोरी में कवर कर ली है डीएपी में 22-23 बोरी डीएपी डली है मात्र बाकी ये सब यूरिया आपका थोड़ा सा पोटास जिंक फिंग सल्फर इतनी जगह में पहले आपने डीएपी कितनी डाली थी पिछले साल मेरी इसमें 45 बोरी डली थी 45 की जगह इस बार 23 डली है मतलब 22-44 लगभग आधी पे अपन ने कवर कर लिया अब वो क्या और फसल पिछली साल की तुलना में कहीं उससे दोगुनी अच्छी दिख रही है कहीं कहीं तो बहुत ही अच्छी है कहीं थोड़ा सा झटका खाई है तो कारण क्या रहा कि हमारा फर्टिलाइजर लेट हो गया बारिश लगातार रही तो हमने इसमें 40 दिन बाद फर्टिलाइजर डाला उसका बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा अगर हम जो है गिरोह के 15 दिन बाद डाल देते तो ये हाइट थोड़ी और बढ़ती अच्छा, अच्छा वो हुआ क्या कि बारिश लगातार हुई भाई साहब और ये नदी वाला प्लाट है आना जाना हो नहीं पाया पुल पे पानी रहा जी है तो आना जाना नहीं हुआ उस वजह से वे डाल नहीं पाया फिर बारिश रुकी 40 दिन हो गए थे इसको उसके बाद पहली बार खाद डाला फिर भी ठीक है लेकिन बाली की जो स्थिति देख रहे हैं ओवरऑल फसल की जो स्थिति देख रहे हैं वो जबरदस्त है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बाली तो मेरे ये देख रहा हूँ मैं कि ये साइज वही है जितनी मेरी बड़ी धान है उसका भी साइज इतना है और छोटी वाली है इसका भी साइज इतना है बाली में कोई अंतर नहीं आया थोड़ी सी हाइट में फर्क जरूर है मेरी हाइट पिछली साल की अपेक्षा करीब 8 से 9 इंच छोटी है अच्छा लेकिन पिछली साल मेरी हाइट ज्यादा थी बाकी जो उत्पादन आपको दिख रहा है उत्पादन में फर्क नहीं दिख रहा उत्पादन में ये है कि बाले दिख रहे हैं पिछली साल पत्ती ज्यादा दिख रही थी स्थिति ये है पिछली साल मेरी पत्ती ज्यादा दिखती थी क्योंकि पत्ती ये बढ़ गई थी इस बार क्या पत्तियां नहीं है मेरी ज्यादा इसमें बाले ज्यादा बालों की कंडीशन ज्यादा दिख रही है पैदावार तो ज्यादा ये लग रहा है कि पैदावार तो मेरी 15 से 20% तो पक्की आना चाहिए बढ़ के मुझे ऐसा उम्मीद है नहीं बिल्कुल नहीं आएगी और निरोगे आप बताओ इतने बड़े क्षेत्रफल में मुझे आप कहीं एक सूखी बाल दिखा दीजिए नेक ब्लास्ट वो तो एक मात्र है कम से कम धान में 8 से 10 बीमारियां होती हैं जिसमें नेक ब्लास्ट एक बीमारी है लेकिन 10 में से एक भी बीमारी हाँ, ये सबसे एक बड़ा फायदा मुझे और लगभग 10 ही प्रकार के कीट होते हैं उन 10 में से एक भी प्रकार का कीट भी नहीं है जी। ये सबसे बड़ी विशेषता है कोई एक मतलब सिर्फ अकेले नेक ब्लास्ट की नहीं कहते और भी है बैक्टीरियल ब्लाइट आता है लीफ ब्लास्ट आता है सफेद धब्बो भूरा धब्बा आता है तो वो कोई भी बीमारी नाम की कोई चीज नहीं शुरू में नौमान भाई आपको ध्यान होगा अपनी चर्चा हुई थी कि यदि इसको अपन भूमि उपचार करते हैं जैसे धान में अपन ने पहले कर दिया तो अपनी चर्चा हुई थी कि भाई इसमें जो बीमारियां आ रही हैं उनके भी प्रति इसकी पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जी जी तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की वजह से इस पे ऐसा नहीं कि अपने बरेली में आसपास का भी जो एरिया है इससे लगे हुए एरिया में भी वहां बीमारियां तो आई होंगी लेकिन चूंकि पौधा उन सारी चीजों के प्रति इतनी अपनी क्षमता बढ़ा चुका था कि इसके ऊपर वो बीमारी आई नहीं और उसकी वजह एकमात्र पावर ग्रो का जो अपन ने भूमि उपचार किया जी जी और ऊपर से एक स्प्रे किया जी जी मेरा ख्याल है वो एक सबसे बड़ा योगदान है हाँ साहब यही लग रहा है मुझे कि अब हम तो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं मतलब हाँ। हमें बहुत अंतर दिख रहा है कि इस बार जो है मतलब निरोग आ गया और
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, निरोग आ गया और मजा आ गया। अब निकल आए तो मजा आ जाए, बिल्कुल निकल आए निकले। और बस जो गेहूं की आपने प्लानिंग करी है जी जी, उसी हिसाब से इसको गेहूं में भूमि उपचार करें जी जी, और साथ ही साथ ऊपर से दो स्प्रे भी करें ताकि अपन को करना पड़ेगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक बोरी डीएपी की नहीं है, ये कंडीशन है। और 1100 रुपए में क्या लेंगे, क्या लेंगे अब इतना महंगा, जब हम पावर ग्रो का इस्तेमाल करेंगे ना। अपने को सामने रिजल्ट तो दिख रहा है, बिल्कुल सही, क्या दिक्कत, बिल्कुल सही। गेहूं में मैंने डाला नहीं है, पहली बार डालूंगा। धान का रिजल्ट, धान का रिजल्ट देखने के बाद कम से कम एक सबसे बड़ा, देखिए अपना नोमान भाई, हम आपके साथ संपर्क में लगातार बने हुए हैं और उसके पीछे वजह क्या थी जी, कि हम ये चाहते थे कि भाई किसान पूरी तरह से जो भी वो काम कर रहा है उसमें निश्चिंत हो जाए, और निश्चिंतता आपको इस धान के प्लॉट में दिखी जी जी, कि भाई जो अपन ने किया उससे अपन निश्चिंत हो गए जी जी। तो एक तो आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए अपने को ये दिख गया कि अपने पास डीएपी का पर्याय आ गया जी, साथ ही साथ अपनी जमीन की उर्वरक क्षमता कम नहीं होगी और उत्पादन बढ़ेगा, ये एक दूसरा पॉइंट है जी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीन अपनी खरीदी हुई जो है जी, इसको जब अपन बाल बच्चों को अपने दे के जाएंगे आगे भविष्य में, तो कम से कम उनको अपन जमीन तो ऐसी दे के जाएंगे कि जो उनको अपने को भी दुआ देने वाली चीज हो। नहीं तो आपने पढ़ा होगा या देखा होगा अपने बरेली के आसपास, पंजाब हरियाणा से जो किसान वहां से यहाँ आए हैं उनसे यदि आप अलग से मिलेंगे तो पंजाब हरियाणा की मिट्टी की जो हालत रासायनिक खाद डाल के हुई है वो खुद बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो पहले बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था लेकिन रासायनिक खाद डाल के प्रोडक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका, और इस वजह से वो यहाँ वहाँ से यहाँ दूसरी जगह आए हैं कि कहीं उन्हें जमीनें अच्छी मिले और वो पैदावार निकाल सके। पलायन कर लिया तो वो पलायन वाली स्थिति अपने यहाँ बचने के लिए सबसे बढ़िया पर्याय ये है, जरूरी है साहब। वैसे भी हमने फर्टिलाइजर की यहाँ तो शुरुआत हुई थी और ये अब प्रलय आ गया तो जमीनों में उतनी वैसे प्रॉब्लम नहीं है, सही बात। लेकिन भविष्य में ये जैविक की तरफ तो जाना पड़ेगा, अगर जाए तो काम बन ही नहीं रहा। तो आज लागतें दुनिया भर की चीजें कहाँ तक आदमी क्या करेगा, वो जो फर्टिलाइजर वो केमिकल के इतने रेट बढ़ रहा है कि रिकॉर्ड तोड़, वो प्राइवेट कंपनी कम नहीं होना, ये कम नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर देगी तो डीएपी की बोरी आपको जो आज 1100 रुपए की मिल रही है लगभग 2500 तक पहुंच जाएगी यदि पूरी तरह सब्सिडी खत्म कर दे, और यूरिया की यदि सब्सिडी खत्म करती है यूरिया की बोरी करीबन 1100-1200 की आएगी। तो जब लागत इस तरह की होगी तो फिर अपन लोग क्या करेंगे। इन सब का बढ़िया पर्याय ये है कि अपन जैविक की तरफ जाएं और पावर ग्रो पावर ब्लूम का जो सहयोग और इसके उत्पाद बाकी के जो हैं जिनके बारे में पीपीएफसी फंजीसाइड पाउडर है जी जी, ये नीम आधारित कीटनाशक भी इनका आता है जी जी, तो ये सारी चीजों का अपन प्रयोग करें ताकि अपन स्वस्थ खुद भी रहें जी जी, और जो मिट्टी भी स्वस्थ रहे, मिट्टी स्वस्थ रहे, पैदावार अच्छी मिले जी। और बाकी तो खैर आप बहुत अच्छे से जान ही रहे हैं, समझ रहे हैं, सही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नमन भाई, अब गेहूं के समय पे अपनी दोबारा से यहाँ पे खेत पे आएंगे अपन और इसकी रिकॉर्डिंग होगी, और हमारे साथ विक्रम भाई भी आए हुए हैं भोपाल से, सब 7 जन मिलके निकले हैं यहाँ। तो मुहिम वही है जो ग्रीन प्लैनेट कंपनी का मुहिम है कि धरती माता को बचाओ, और धरती माता को बचाने का जो प्रयास है वो पावर ग्रो पावर ब्लूम और पीपीएफसी द्वारा ही सार्थक हो सकता है, और ये सभी अपेक्षा सारे किसानों से यही है हमारी जी। नमन भाई धन्यवाद। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम बताएं और गांव बताएं। हकीम खान। हकीम भाई, हकीम भाई आप यहीं डोबी से ही हैं प्रॉपर? जी प्रॉपर डोबी से। अच्छा अच्छा, हकीम भाई आपने ग्रीन प्लांट कंपनी का जो पावर प्लांट ग्रो इस्तेमाल किया है जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है और किस तरह आपने उपयोग किया जरा बताएंगे हमें? मैं जान सकता हूँ, बतलाना सकता हूँ कि इसमें जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को, और इसको मैंने ज़मीन पे भी डाला, पहली बार लेके आया दुकान से, इसके बाद इसका स्प्रे भी किया, और आप मेरी फसल देगी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और आने वाले समय में इसको ही यूज करने की मन बनाया आपने जी। अच्छा, इसमें आपने ज़मीन में जो डाला था उसमें डोज क्या लिया था इसका? उसका डोज तो दो ही डाले मैंने। दो डाले नहीं, कितना मिला के डाला? जैसा 35-40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब। अच्छा, रेत में मिलाया आपने? जी नहीं, खाद के साथ मिला। खाद के साथ, कौन सी खाद के साथ मिलाया था? डीएपी के साथ। डीएपी के साथ मिला के डाला आपने, अलग से नहीं डाला इसको? अच्छा अच्छा, क्योंकि ये जैविक है तो आपने मिट्टी या रेत में नहीं मिला पाए, डायरेक्ट खाद में मिला के डाला है। अच्छा अच्छा, और उसके बाद स्प्रे कितने दिन बाद किया इसका? स्प्रे इसका 8 रोज बाद किया मैंने। 8 दिन बाद। उस वक्त स्प्रे में डोज कितना लिया था आपने? स्प्रे में इसका डोज लिया था मैंने 40 ml। 40 ml एक पंप में जी। और लगभग एक एकड़ में कितने पंप लगाए आपने? इसमें लगे हैं 10 पंप एक एकड़। 10 पंप, मतलब 400 ml का आपका प्रति एकड़ का डोज हो गया जी। अच्छा,
ये धान का, ये देखें जरा अपन कूचा, ये कितना अच्छा है। आप देखिए, ये आपको खुद को फर्क दिख रहा है ये? जी बराबर। दूसरे जहां आपने इसको पावर प्लांट ग्रो को नहीं डाला और जहां डाला है उसमें क्या फर्क आपको दिख रहा है? ये इसमें जमीन के इसमें दो डोज डल चुके हैं पावर प्लांट के। हाँ, और नीचे जो है वहाँ एक स्प्रे, एक स्प्रे है जी। तो इन दोनों में कूचों में फर्क है? दोनों में कूचों में फर्क है सर। ये जो है ये डबल के इसमें पहले डल चुका है और बाद में स्प्रे भी हुई है, और वहाँ नीचे जो है वो सिंगल है। नीचे सिंगल है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको फर्क महसूस दिख रहा होगा? फर्क है, फर्क है। तो अगले साल जब आप धान लगाएंगे जी, तो जिस तरह यहाँ पे आपने डाला उसी तरह उसमें भी डालेंगे आप? बराबर डालूंगा मैं। डालेंगे ना जी। अच्छा, और धान अभी आपका रकबा कितना है इस वक्त? इस वक्त 6 एकड़ रकबा है मेरा। 6 एकड़ का है जी। और पूरे में ही आपने इस्तेमाल तो नहीं कर पाए होंगे शायद? नहीं, पूरे में इस्तेमाल, ये ट्रायल के तौर पे किया था जी। तो ये जो रिजल्ट देख रहे हैं अपन, इस रिजल्ट को देखते हुए गेहूं में आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? अब गेहूं का आपका रकबा कितना रहेगा? गेहूं का रकबा जितना ये धान का 6 एकड़, धान का रकबा 6 एकड़ में आप गेहूं लगाएंगे। तो गेहूं में आप पावर प्लांट ग्रो का ये रिजल्ट देखते हुए भूमि उपचार करना चाहेंगे? जी क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। और दो स्प्रे भी करेंगे? बराबर। ठीक है, और बीज उपचार भी करना है अपने को? क्यों नहीं, है ना। ठीक है खान साहब, नमस्कार अकीम भाई, और बिल्कुल इसको इस्तेमाल करिए। और ये सबसे खास बात इसमें ये है कि अपनी जमीनों का जो रासायनिक खाद डाल डाल के कस खत्म हो रहा है जी, वो कस वापस लाने की प्रक्रिया पावर प्लांट ग्रो की है जी। तो अपन ये चाहते हैं कि अपन जो अपने बच्चों को जो जमीन दे के जाएं, कम से कम स्वस्थ और अच्छी जमीन दे के जाएं, बजाय इसके कि बंजर भूमि। नहीं सर, इसमें मट्टी भी फूलती है। मट्टी फूलती है ना, ये आपका खुद का अनुभव है जी। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हकीम भाई। और कुछ आप बाबा अपने डोबी के किसानों को कहना चाहें तो बिल्कुल कहिए इस बात के बारे में। ये है ना हमारे बड़े भाई। बड़े भैया हैं जी। भैया नमस्कार, आइए। नमस्कार, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मुरलीधर चौहान। मुरली भैया, आपने आपको क्या फर्क दिख रहा है इस फसल को देख के? इसमें बहुत अच्छा फर्क दिख रहा है। ये नई मिट्टी थी, यानी कि जो गड़ेंगे नहीं बनाते हैं ना। हाँ हाँ, इस पे इतनी अच्छी धान नहीं होती जितना हाँ। अच्छा इसका पौधा है, ये पौधा दिख रहा है। हाँ, इतना अच्छा ये दिख रहा है। ये पुराने गड़ेंगों के अलावा इसमें अच्छा दिख रहा है। नहीं, जबकि होता है ऐसा नहीं है, नई गड़ेंगों की धान कमजोर रहती है। कमजोर रहती है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छी है। आपने कुछ इस्तेमाल किया है कि आपने? नहीं 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 किया। तो ये फसल को देखते हुए आपका क्या मन बन रहा है? नहीं, ये मन बन रहा भैया, ये अपन ये हकीम भाई ने किया था वही हम करेंगे। हाँ हाँ, आने वाले गेहूं का आपका कितना रकबा रहता है मुरली भैया? गेहूं का 15 एकड़ है। 15 एकड़ जी। तो ये स्थिति जो आपको दिख रही है इसमें इसका भूमि उपचार गेहूं में पूरे में करेंगे? हाँ जी भाई साहब, करेंगे। ये ऐसा अनुमान है तो इतनी अच्छी फसल को कौन नहीं देखना चाहता। सही बात है, सही बात है। ठीक है, धन्यवाद मुरली भैया जी। भैया आपका समय मिला, और बिल्कुल इसको पावर प्लांट ग्रो इसका नाम है दवाई का, और इसका उपयोग आप जरूर करिएगा आने वाले गेहूं के समय में। अभी धान की आपकी क्या अवस्था है? धान की अभी तो गबोट पे आ गई, बाल निकल, गबोट पे आ गई, बाल निकल आई है, लेकिन अभी दूध बनना चालू नहीं हुआ जी। तो आप एक काम करें, इसको 250 ml प्रति एकड़ लेकर के इसका आप 2 स्प्रे अभी करवा दें। स्प्रे इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अभी यदि आप स्प्रे करवाएंगे तो आपको उसके रिजल्ट दिख जाएंगे। 10-20% भी यदि अपनी फसल में पैदावार में फर्क पड़ता है तो आप गेहूं के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इसके 2 स्प्रे अभी जरूर करवा दें। ये गबोट पे बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 250 ml प्रति एकड़ का इसका डोज लेना है अपने को और स्प्रे करना है। ठीक है मुरली भैया जी। जी अच्छा जी, नमस्कार, नमस्कार। जी नमस्कार, मैं हर्ष सक्सेना हूं, और आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नरसिंह पाटीदार है जी। बरेली के रहते जी, तहसील बरेली जी, जिला रायसेन जी। बाबूजी, और बाबूजी आपको जो हमने ग्रीन प्लैनेट कंपनी का पावर प्लांट ग्रो और PPFC ये टमाटर और मिर्ची की फसल के लिए दिया था, इसमें आपका कैसा अनुभव रहा? सब मैंने इसको मतलब आपके कहने के अनुसार मैंने इसकी ड्रेंचिंग करवाई थी जी। पावर प्लांट ग्रो की उसके बाद मतलब वो दोनों फफूंदनाशक और दोनों मिला के डाले थे। PPFC और पावर प्लांट ग्रो दोनों मिला है। PPFC और पावर प्लांट जी। तो उसमें मतलब 8 दिन बाद पौधे एकदम हरे होने लगे और बढ़िया हो गए। जो बीमारी आपको लक्षण दिख रहे थे वो खत्म हो गए? वो खत्म हो गए। अच्छा, और पौधे की शक्ल में भी जान आ गई? पौधे में जान आ गई, और जो पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ था जी वो भी थोड़ा रौनक में दिखने, वो भी रौनक में दिखने। चलिए बहुत अच्छा रहा। और दूसरा ये कि पावर प्लांट ग्रो का डोज आपने कितना क्या लिया था? 25 ml 25 ml पर टंकी लिया था। पर टंकी लिया था, और 25 ml और 25 ग्राम PPFC लिया था। दोनों मिला के जड़ों में भी दिया था और स्प्रे भी किया, स्प्रे भी किया था। अच्छा, अब ये जो स्थिति दिख रही है बाबूजी, इसको देखते हुए आपको इसमें और
लगभग मेरा ख्याल ये है कि इसको 10 दिन में आप स्प्रे करते रहेंगे। करेंगे ना साहब, इसका फर्क दिख रहा तो अगली स्प्रे में भी और लेंगे। बिल्कुल करिए बाबू जी इसका, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पावर प्लांट ग्रो और पीपीएफसी इस्तेमाल किया जी, और आप इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? संतुष्ट है साहब, पहले मतलब टमाटर की बिल्कुल जाने जैसी स्थिति थी जी जी, बिल्कुल के तो गए थे, पर आपके आने के बाद में बताने के अनुसार हमने करा तो उससे बहुत ही मतलब जी सुधार हो गया इसका। अब उम्मीद हो गई कि टमाटर हो जाएंगे। अच्छा। हो जाएंगे हाँ। जी हाँ, मतलब पहले ये पावर प्लांट ग्रो पीपीएफसी डालने के पहले उम्मीद नहीं थी? नहीं थी, ये तो बखरने की उम्मीद थी हमारी। अच्छा अच्छा, मतलब जो जिस फसल को अपन बखरने जा रहे थे वो फसल अपनी जीवित हो गई है और अपने को उम्मीद इससे बंद गई है, बहुत बड़ी बात है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे मेरा नया टमाटर का प्लांट लगने वाला है जी जी, 10 एकड़ का जी, उसमें मैं बिल्कुल रेती मिला के मट्टी में डालूंगा, तीनों उसके रोज करेंगे अपन, स्प्रे का भी करेंगे, जब ड्रेंचिंग भी करेंगे और पहले से जमीन में भी डालेंगे, सॉइल एप्लीकेशन भी। सॉइल एप्लीकेशन भी जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। रोपे में भी अपन ने डाला था, काफी फर्क पड़ गया। टमाटर की पौध में डाला था, उसमें भी एकदम पौध आई और बढ़िया ग्रोथ ली जी। अपन देखें नर्सिंग भी है उसको भी एक बार। पौध का तो एकदम रिजल्ट समझ में आया सबको जी। ये वाली पौध है वो टमाटर, ये वाली टमाटर। अरे इनकी तो शक्ल ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग शक्ल, बनक अलग है हाँ। और उसके मतलब इतने मौसम खराब हाँ, खराब मौसम में जबकि अपने यहाँ पानी इतना गिरा, स्थिति इतनी गंभीर थी, उसके बावजूद ये तो बहुत अच्छा रहा हाँ। और इस पे आप देख रहे होंगे बाबू जी की इस पे बीमारियां भी आपको नहीं दिख रही होंगी? दिख रही हाँ, नहीं तो इतने बड़े रोपे में बीमारियां दिखना चालू हो जाती है जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका, और इसको इस्तेमाल करते रहिए पावर प्लांट ग्रो और पावर प्लांट ब्लूम का। समझ में आ गई साहब, रिजल्ट तो अच्छे हैं, रिजल्ट बढ़िया है जी। नमस्कार नमस्कार।